औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो मौजू है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। उसके हम आज लास्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 2.6। पहला क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, उसमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। जिस तरह से हमने पहले एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले हमने सिंपलीफाई भी किया है, फिर सॉल्व किया है, या इक्वेशंस हमने भी है फिर सॉल्व किए हैं, तो इसी तरह इसमें भी हमें इक्वेशंस दिए गए हैं तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे 8x-3 / 3x = 2, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर इक्वलिटी की निशानी है, हमें डिनोमिनेटर को मल्टीपल नहीं करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 8x-3 = 2, को हम किससे मल्टीपल करेंगे, 3x से। इस तरह क्या बनेगा ये क्वेश्चन, 8x-3 = 3×2 = 6x। अब हम ट्रांसपोज करेंगे इसको, 6x को लेफ्ट साइड में और -3 को राइट साइड में। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8x-6x = 3। जो यहाँ पर राइट साइड में 6x पॉजिटिव था, इसको हमने लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस बनेगा, और -3 जो लेफ्ट साइड में था उसके ये जब राइट साइड में हम ट्रांसपोज इसको करेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। इस तरह से क्वेश्चन हमारा क्या बना, 8x-6x = 3। अब 8x से हम 2x निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। 8x-6x = 2x = 3। दिस इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 3/2। यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला वो क्या निकला, 3/2। ये इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है 9x, इसी तरह जिस तरह से ये है, मैं सिर्फ सॉल्यूशन दिखाऊंगा। 9x/7-6x = 15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पहले एक्सरसाइज में मल्टीपल किया, इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। 9x = 15×7-6x। अब यहाँ पर 9x = 15×7, 7 5s are 35, 7 1s are 7 and 3 10, 15×7 is 105, -15×6 is 6 5s are 30, 6 1s are 6 and 3 9x। अब क्या बना यहाँ पर, 9x = 105-90x। अब इस 90x को हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो ये बनेगा 9x+90x = 105। ये क्या बनेगा अब, 99x = 100। x will be equal to 105/90। अब हम इसको 3 से क्या करेंगे, 3 3s are 9, 3 5s are 15। जब हमने इसको 1 3 से, तो यहाँ क्या बचा, 3 3s are 9, 3 5s are 15, यहाँ 35 बचा। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 1 3, तो यहाँ पर 3×35/3×33। तो यहाँ पर अगर हम इस 3 और इस 3 को काटेंगे तो यहाँ पर क्या आंसर निकलेगा, 35/33। तो इसको अगर हम और देखें, किसे कसर, 33 को 3 से फिर कटेगा,
लेकिन 35 को नहीं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? द सिंपल वाइज एक्स विल बी इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 33, ये इसका आंसर है। तो अगर हम यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जेड जेड डिवाइड बाय जेड प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पर हम फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 9 को किससे करेंगे, जेड से, इज इक्वल टू 4 × z + 15। ये बनेगा 9z इज इक्वल टू 4z + 5, 4 = 20, 5 × 4 = 20, 4 × 4 = 16। अब इसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या बनेगा, 9x - 4x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9x - 4x वहाँ पर बचेगा 5x इज इक्वल टू 60। दिस इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू 60/5। तो यहाँ पर हम इसकी कसर काटेंगे, तो ये किसके बराबर, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 × 5/5। ये 5 और ये 5 कैंसिल, दिस इम्प्लाइज एक्स विल बी इक्वल टू 12। ये इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पर 9z है, ये जेड का वैल्यू है, सॉरी, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ये है जेड डिवाइड बाई जेड प्लस 15 इज इक्वल 4/9। तो इस 9 से हमने इस जेड को मल्टीपल किया है, 9 × z इज इक्वल टू 4 × z + 15। ये बनेगा 9z + 4z + 60। अब इस 9z में से हम 4z निकालेंगे, ये बनेगा, जब हम इसको ट्रांसपोज लेफ्ट साइड, 4z को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बनेगा -4z, 9z - 4z इज इक्वल टू 60। जब 9z से हमने 4z निकाला, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर 5z इज इक्वल टू 60। जेड विल बी इक्वल टू 60/5, दिस विल बी इक्वल टू 60 को जब हम कसर काटते हैं, तो ये क्या बनेगा, 12 × 15 इज 60/5, 5 और 5 कैंसिल, तो इस तरह हमारा जो जेड का वैल्यू है वो 12 निकला। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।